अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो दोस्तों? आज हम खाने पीने की चीज़ें खरीद कर लाए हैं और कुछ देर बाद खाना बनाएंगे। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। वालेकुम जी, दिस इज़ अमर अशरफ, आप देख रहे हैं अहमद फैमिली टीवी अपना। आज जनाब आली हम लोग बनाने लगे हैं बीफ का कढ़ाई, बीफ की कढ़ाई। और हमारे साथ हैं शेफ मुसवा, और अभी ये जनाब शुरू करेंगे। इन्होंने अभी जो अभी तक जो किया है वो ये है कि इन्होंने ऑयल ले लिया है जो गर्म हो चुका है। अभी ये इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो तब आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करना है तेल के अंदर। ये तकरीबन हम लोग बना रहे हैं जनाब 2.5 किलो बीफ। वेलकम बैक। और अभी हमने जनाब इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड कर लिए हैं ऑयल के अंदर, और अभी ये जनाब हमारा बीफ जो है इसमें ऐड होने जा रहा है। सबसे पहले हमारे शेफ ने यखनी ऐड कर ली है इसके अंदर। यखनी ऐड करने के बाद आपको दोबारा बताया चलेंगे, आपने ऑयल ले लेना है, उसमें आपने मसाले ऐड कर लेने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेना है, और उसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी यखनी ऐड कर लेनी है। साथ साथ हमारा शेफ़ जो है वो बना रहा है जनाब एग फ्राइड राइस। उसके लिए इन्होंने ये अंडे तोड़ लिए हैं, इसके अंदर थोड़ा ज़रदा रंग ऐड कर लिया है। अभी इसको मिक्स करेंगे। तो ये अभी इसको मिक्स करेंगे। आई जस्ट वन शो यू हाउ द मिक्सिंग। काली मिर्च ऐड होगी। तो जी फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके अंदर जनाब ऐड करेंगे टमाटर प्योरी जो कि हमने ऐड कर ली है। टमाटर की प्यूरी जो है ये हमने टमाटर और प्याज जो हैं वो हमने ग्राइंड कर लिए थे। ग्राइंड करने के बाद हमने इसको बॉयल कर लिया। पहले हमने टमाटर प्याज बॉयल कर लिए थे, उसके बाद हमने इनको ग्राइंड करके ये हमारी बेहतरीन सी प्यूरी बन गई है। अभी हम लोग ये शेफ साहब ने ये प्यूरी इसके अंदर ऐड कर दी है, और अभी इसको ये थोड़ी देर पकाएँगे, और उसके बाद फिर जनाब इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे और उसको 15-20 मिनट पकाएँगे, और उसके बाद फिर आपका जो गोश्त है बीफ है वो तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे लेकिन कुछ देर के बाद। लोगों ने अंडे जो हैं फेंट लिए हैं। अंडे फेंट लेने के बाद अब हमने बनाने थे, और चावल में हमने क्या क्या ऐड करना है। इसमें हमने गाजर ऐड करनी है, काट के रख ली थी हमने। हमने शिमला मिर्च काट के रख ली है, हमने बंद गोभी काट के रख ली है, और ये हमने जहाँ नहीं काट लिया। बीफ तैयार हो रहे हैं, हमने इसमें चिकन वगैरह ऐड करके इसको चूल्हे पर रख दिया है, और ऊपर से ढकना दे दिया है, ढक दिया है इसको। अब कुछ देर के बाद हम लोग इसमें ये बीफ ऐड करेंगे। उसके बाद जी हमारा ये तैयार हो जाए। अब आपका भाई चाय बनाने लगा। चाय बनाने के लिए मैंने फ्लेम ऑन कर ली। फ्लेम ऑन करने के बाद मैं आगे एक बर्तन लेना चाहता हूँ। आई जस्ट शो यू कि हाउ आई कैन टेक अ बर्तन। ऐसे अलमारी खोली, बर्तन निकाला, और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगा, और ये जनाब अली हमने पानी डाल ली, बनाएंगे चाय। रख दिया फ्लेम के ऊपर। अब इसके अंदर चीनी और पत्ती वाला मरहला जो है वो आ गया है। सबसे पहले हमने इसके अंदर चीनी ऐड की। चीनी ऐड कर ली। उसके बाद जनाबे अली हमने इसमें क्या ऐड करना है? पत्ती।
पत्ती ऐड करेंगे, पत्ती ऐड करेंगे इसके अंदर। बैक हमने पत्ती ऐड कर ली है, अब चीनी भी ऐड होगी, पत्ती भी ऐड हो गया, पानी भी ऐड हो गया। अब एक फाइनल मरहला रह गया है और वो है हमने इसमें दूध ऐड करना। दोस्तों ये हमारी जो पत्ती है वो तैयार हो गई है, अभी इसको फ्लेम को आहिस्ता करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग जनाबे आली दूध ऐड करेंगे। ये अभी हमारी चाय जो है वो तैयार हो जाएगी। अब हम आपको बता चलेंगे अभी हम क्या क्या कर रहे हैं। एक तरफ चाय पक रही है, दूसरी तरफ ये बीफ पक रहा है, तीसरी तरफ ये एग फ्राइड राइस का सामान है, इसमें ये कुछ चीज़ें और भी पड़ी हुई हैं, ये चावल हैं, केचप है, कढ़ाई मसाला है, ये सब कुछ चावलों में ऐड होगा। ये उसकी सब्जी हमने काट के रखी हुई थी और ये हम वो ऐड करेंगे। देखते हैं चाय की क्या सूरत हाल है। यस वी आर मेकिंग टी एंड टी इज़ अबाउट टू रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर का मौसम भी आपको दिखा दें, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लाउडी वेदर इन इस्लामाबाद, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। सी द क्लाउड्स एवरीवेयर और बड़ा ही ज़बरदस्त वेदर हो रहा है। चाय भी तैयार हो गई है, आए चाय ऐड कर लेंगे। पहले मैं पानी पी लूँ यार, ये पानी रखा हुआ था। कर लेंगे, हो गई ऐड। चल अब इस बर्तन को हम यहाँ पे रख लेंगे और इंशाल्लाह अभी चाय पीते हैं, फ्लेम बंद कर लेंगे। ये चाय तैयार हो गई है, चाय पियेंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक, अभी हम लोग वापस आ गए हैं और अभी हमने जनाब जो पतीला है सोने जो है वो डाल दिया है। अभी हम लोगों ने ग्रेवी अपनी चेक की है, ग्रेवी हमारी तकरीबन बेहतरीन तरीके से तैयार हो रही है, उसको हम लोग दोबारा से तो ये जनाब अली थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर देंगे ग्रेवी के अंदर। तो अब इसको हिला लेंगे, दोबारा से इसको कवर कर देंगे। हमने प्याज काट के रखा हुआ है, ये हमने जनाब चिकन मंचूरियन बनाना था उसके लिए हमने ये प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च काट के रखी हुई है। इसके अलावा ये हमने दोस्तों चिकन फ्राई करके रखा हुआ है, अभी हम लोग ये भी बनाएंगे इंशाल्लाह। इसको रख देंगे और इस वीडियो को भी हम वाइंड अप करेंगे। ये हमने सैलड बनाई हुई है, ये हमने रायता मंगवाया था, नीचे रायता बनाया हुआ है खुद हमने, और ये हमने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी। इसके अलावा ये हमने खीर बनाई थी, एक खीर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार है, इसमें हमने बादाम भी ऐड किए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार खीर है। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। ग्रेवी तैयार है, सिर्फ इसके अंदर हमने थोड़ा सा बीफ ऐड करना है और हमारा खाना जो है वो तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। दिस इज़ उमर अशरफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम अहमद फैमिली टीवी। अपना हमें अपने दुआओं में याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।